ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इस दिव्य नवरात्रि पर भगवती की विशेष कृपा कैसे प्राप्त करें, देवी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले हम अपने शिष्यों के लिए बता देते हैं, जो काली साधना कर रहे हैं उनके लिए दिशा दक्षिण होगी, लकड़ी का बाजूट होगा, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है, फिर भगवती के चित्र या विग्रह को स्थापित करना है। उसके सामने बाएं तरफ सरसों के तेल का अखंड दीपक जलेगा। भगवती को एक नारियल चुनरी 16 श्रृंगार चढ़ाएं, ये लगातार 9 दिन रहेगा। और भोग जो उनको दोगे वो मिठाई बतासा, लौंग, नींबू, जायफल, ये रोज भोग में देना है, सुबह शाम दोनों समय। मंत्र आप लोगों को पता है, आसन लाल रहेगा, वस्त्र लाल कर दीजिए, आप लोग लाल वस्त्र ही पहनेंगे। सुबह 4 बजे उठ के प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, उसके बाद भगवती के काली सहस्त्र नाम, काली स्रोत, काली चालीसा का जाप करें और आरती करें। और शाम के समय 10 मिनट अनुलोम विलोम करने के पश्चात भगवती के मंत्रों का जाप करें। शिष्यों को जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें। जाप करने के पश्चात नींबू और जायफल को काट देना है और उसी के बगल में कपूर रख के जला देना है, ये भोग रोज देना है। अब बताते हैं, जो माई विंध्यवासिनी दुर्गा जी की दीक्षा लिए हुए हैं हमसे, उनके लिए व्यवस्थित सारी चीज यही रहेगी, सिर्फ दिशा पश्चिम हो जाएगी। भगवती का मुख पश्चिम दिशा में रहेगा, तुम्हारा मुख पूर्व दिशा में रहेगा, और काली साधक का मुख दक्षिण दिशा में रहेगा, भगवती काली के विग्रह का मुख उत्तर दिशा में रहेगा। बाकी पूरी व्यवस्था यही रहेगी। पूरा दिन रात सिर्फ भगवती का आवाहन करना है, भगवती को याद करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, शक्ति मंत्र, उसके बाद देवी मंत्र का जाप निरंतर करते रहना है। और देवी मंत्र को बुलाने वाला जो मंत्र है, शावर मंत्र जो हमने दिया है काली को बुलाने वाला, उसका जाप पूरे दिन करते रहें, मानसिक रूप से विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। और अन्य लोगों के लिए जो देवी साधना करने वाले हैं, इस बार देवी हाथी भी आ रही है, तो आप लोग अपने घर को पवित्र बनाएं, गंगा जल गौमूत्र से छिड़काव करें पूरे घर में, उसके बाद कलश स्थापना करें, और किसी भी ब्राह्मण के माध्यम से कलश स्थापित करवाने के पश्चात नियम से अपने घर में भगवती का पूजन करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।